तलक में, पर वो जो पहला दीदार था उसका भूल ना पाया वो अब तलक में। डरता हूं पर मरता हूं तो बोले बिना लिख में जाए खत उसको मेरे दिल से उसके दिल तक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तो आप सबको पता चल गया होगा, दीदार। तो मैं आज आपके सामने एक गुजारिश करने आया हूं बी फॉर यू एनजीओ की तरफ से, और अपनी भी बात कह दें। गुजारिश किसकी? इन फूल पत्तियों पेड़ पौधों की। ये जो फूल पत्तियां पेड़ पौधे, ये जमीन आकाश वृक्ष वातावरण, हम सब तबाह करते जा रहे हैं धीरे धीरे। हम सब अपनी इमारतें शहर बनाने की शौक में इतनी आगे बढ़ गए कि हमारा शहर तो निखर गया, पर ये जो सुंदर सा वातावरण है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सूखे पत्तों की तरह बिखर गया। मुझे अभी कहा गया था कि ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होगा, तो मैं जरूरत करूंगा अपने कुछ कविता शायर से, शायरियों से आप सबका दिल बहलाने का। तो अगर अच्छा लगे तो बार बार लगातार ताली देना, और ना लगे तो बाहर गाली देना। तो तैयार है आप सब? माफ करिएगा, हेलो मैम, मैं थोड़ी सी जरूरत करना चाहता हूँ अपनी कविता सुनाने की, इजाजत है? शुक्रिया शुक्रिया। तो तैयार हो जाइए, मैं आप सबको ले जाना चाहता हूँ एक सुहाने सफर में। सफर लेकिन किसका? किसका? मोहब्बत का, जिसमें एक लड़का है एक लड़की है। दोनों देखते हैं एक दूसरे को, प्यार में पड़ जाते हैं, थोड़ी अनबन भी होती है, और फिर भी प्यार में पड़ जाते हैं। तो मैं अपनी पहली कविता आप सबके सामने फेंकने जा रहा हूं, संभालिएगा। सुना था मोहब्बत की एक अलग दुनिया होती है, और अन कहीं न जाने कितनी कहानियां होती है। सुना था मोहब्बत की एक अलग दुनिया होती है, और अन कहीं न जाने कितनी कहानियां होती है, आपकी मेरी उनकी सबकी। हर दिल पे किसी का पहरा होता है, हर दिल से मिलता एक चेहरा होता है। लोग जन्मों साथ रहने की बातें करते हैं, प्यार में जीने मरने की बातें करते हैं। लोग प्यार में जीने मरने की बातें करते हैं। यहाँ खुशबू है, खूबसूरती है, हरियाली है, यहाँ सुर है, साज है, संगीत की प्याली है। यहाँ रुक्मिणी है, यही मीरा है, यही राधा है। यहाँ इंतजार है, बहार है, और दिल से किया वादा है। हर सुबह ख्वाबों की चुस्कियाँ होती है, अखबारों में सपनों की सुर्खियाँ होती है, यहाँ सिद्धत परछाइयाँ होती है। कभी सुना था मोहब्बत की एक अलग दुनिया होती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि दुनिया कैसी होती है। अब इसमें लोग जो कैसे इस मोहब्बत की दुनिया को बेहतरीन, सुंदर, हसीन बनाते हैं। एक किस्सा एक लड़के का और एक लड़की का। दोनों कहिए कि स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं। आप सब की तरह आप सब कॉलेज स्कूल में ही है ना, है कि नहीं? तो चलिए, मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे जवान दिल हैं, कोई उम्र से जवान है तो कोई दिल से जवान है। सबके साथ कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, और नहीं हुआ तो ये सुनने के बाद जरूर होगा। दबे पांव एक सिलसिला शुरू हो गया, दबे पांव एक सिलसिला शुरू हो गया, इसी बहाने मिलना शुरू हो गया। शरारते उसे भी अच्छी लगी, अदाएं उसे भी अच्छी लगी, शरारते उसे भी अच्छी लगी, अदाएं मुझे भी अच्छी लगी। नाम फिर कागजों पर लिखना शुरू हो गया, मेरा उसके और उसकी आंखों में मेरा दिखना शुरू हो गया। छोटी छोटी चीजों पर चिढ़ाना शुरू हो गया, चेहरा लाल करके। छोटी छोटी चीजों पर चिढ़ाना शुरू हो गया, चेहरा थोड़ा लाल करके गुस्सा दिखाना शुरू हो गया। शरारते उसे भी अच्छी लगी, अदाएं मुझे भी अच्छी लगी। बिना छुए सांसों से सहलाना शुरू हो गया, बिना मुंह खोले एहसास जताना शुरू हो गया।
बस फिर क्या था, वक्त काफिर ठहरना शुरू हो गया, उसका मुझ पे मेरा उस पे मरना शुरू हो गया। तो ये जो पीरियड होता है, किसी को अपने दिल की बात बताना कि ये गोल्डन पीरियड होता है किसी भी मोहब्बत की कहानी का, सबसे गोल्डन पीरियड। पर इसके बाद क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई भी आप बताइए। प्यार में झगड़ा नहीं हुआ है? चलिए मैं करवाता हूं। तो प्यार हुई, मिला, बातें हुई, मुलाकातें हुई, फिर कुछ थोड़ी अनबन हो गई। तो उस पे पेश है मेरी एक शायरी, अर्ज है, अर्ज है कि दिल से तेरे वफा का किस्सा कम होने लगा, जुनून तुझ पे मरने का नम होने लगा, पतझड़ बीते बारिशें बीती, अब मौसम सर्द होने लगा, अब तेरा नशा दर्द देने लगा। शायर मेरे अंदर का निखरने लगा, कुछ इस कदर में बिखरने लगा, सारी दुनिया एक तरफ मैं एक तरफ होने लगा, आंसुओं का हर बूंद भी अब बर्फ होने लगा, पतझड़ बीते बारिशें बीती, अब मौसम सर्द होने लगा, अब तेरा नशा दर्द देने लगा। तेरी मुस्कान में एक चहक थी, तेरे छूने में एक महक थी, तेरे मुस्कान में एक चहक थी, तेरे छूने में एक महक थी, अब वो चहक कहाँ, वो महक कहाँ, अब जिंदा वो प्यार कहाँ। फिर मुलाकात हुई शराब से, माफ कर देगा, और आप सबसे भी माफी की, बहुतों का दिल दुख गया शराब के नाम से। फिर मुलाकात हुई शराब से, कुछ अर्ज करता हूँ जनाबे शराब से, कि क्या तकल्लुफ दे हम अपने दिलदार को, क्या तकल्लुफ दे हम अपने दिलदार को, उनके नजरों के सामने से खुद ही चले जाएंगे। उन्होंने ठुकराया तो क्या भैया, उन्होंने ठुकराया तो क्या, हम गिर के भी समझ जाएंगे, हम तो महफिलों में शमा बनाएंगे और शराब के साथ ही नजर आएंगे। तो शायर मेरे अंदर का निखरने लगा, कुछ इस कदर में बिखरने लगा, पतझड़ बीते बारिशें बीती, अब मौसम सर्द होने लगा, अब तेरा नशा दर्द देने लगा। तो ये थी अनबन, प्यार में झगड़ा हो गया, लोग अलग हो गए, दो लोग, बहुत बुरा हुआ। अभी शुरू शुरू में एक जनाब थे जिन्होंने अपने गाने से आपको ऐसे ही मोहब्बत के सफर पे ले गए थे, लेकिन उन्होंने ब्रेकअप तक रैंक दे दिया था। मैं आपको उसके आगे ले जाता हूँ। एक शाम थी हसीन सी जैसी आज है, एक शाम थी हसीन सी, दोनों आए एक बाजार में, नैन लड़े, दिल रो पड़ा, और फिर से वो पुरानी बातें याद आ गई। तो पता है लड़की ने क्या कहा, और कितना मर जाए, और कितना बिखर जाए हम, बाहों से तेरी छूट कर किसकी राहों में गिर जाए हम। बस फिर क्या था, लड़के का दिल वहीं पिघल गया और उसने फिर से वही शुरुआत कर डाली। पता है कैसे, पूरे बीच बाजार ऐसे, और एक रात, लड़की का हाथ ऐसे था, और एक रात, और एक सपना, और एक ख्वाब में बोल लो, और एक पल, और एक जिंदगी, और एक बार मैं तुझको चुन लो। नहीं शर्माना मत, और एक रात, और एक सपना, और एक ख्वाब मैं बोल लूं, और एक पल, और एक जिंदगी, और एक बार मैं तुझको चुन लूं, और एक एहसास, और एक दर्द, और एक बार मैं आंख मूंद लूं, और फिर वो झील सी आंखें, वो लहराती जुल्फे, और एक बार तेरे होठों से प्यार का बूंद लूं। तो कुछ ऐसी होती है मोहब्बत की कहानियां, आपको नहीं हुई तो कर लीजिए, मैं बताता हूँ बहुत हसीन होती है। पर जैसा मैंने आपसे कहा था,
कि मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ वातावरण की सुरक्षा के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो मुझसे हर रोज कुछ बातें करता है, अपना दर्द बयां करता है, और आज उसका दर्द मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं उसे खिड़की पर बैठ कर देखा करता था। नहीं, सारा प्यार वाला नहीं होता है। मैं उसे खिड़की पर बैठ कर देखा करता था, वह मुझे रोज बुलाया करता था। मैं उसे खिड़की पर बैठ कर देखा करता था, वो पीपल का पेड़ मुझे रोज बुलाया करता था। बचपन में उसकी गोद में झूला था मेरा, बचपन में उसकी गोद में एक झूला था मेरा। वो अपनी छाँव में मुझको चैन की नींद सुलाया करता था। एक जमाना था जब उसके कई दोस्त थे। नीम बेल आम बरगद, और हम इनकी हरियाली में सराबोर थे। ये शहरें कहाँ थे, ये सड़कें कहाँ थी, ये शहर कहाँ थे, ये सड़कें कहाँ थी, इन इमारतों की क्या औकात थी। ये शहर कहाँ थे, ये चौड़ी सड़कें कहाँ थी, इन इमारतों की क्या औकात थी। पर अब सर उठाओ तो बस चमकते शीशे ऊंचे दीवार दिखते हैं, चमकते शीशे और ऊंचे दीवार दिखते हैं, धुएं छोड़ते सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखते हैं। गिन गिन कर पेड़ कटते गए, हम अपने घरों में फर्नीचर्स नए पे नए रखते गए। गिन गिन के पेड़ कटते गए, हम अपने घरों में नए पे नए फर्नीचर्स रखते गए। बिना चिल्लाए, बिना रोए, बिना सिसके, ये हमारे लिए रोज अपनी जान देते गए। मैं जब भी उससे बातें करता था, वो अपना हाल सुनाया करता था। वो पीपल का पेड़ अपना हाल सुनाया करता था। वो कहता था कि तुम प्रकृति के गोद में बैठकर उसे ही घाव देते हो, तुम्हें ये सुंदरता, ये हरियाली, ये हवाएं क्या लुभाती नहीं, जो तुम इन्हें हर रोज खत्म कर देते हो। तो ये थी उस पीपल के पेड़ की एक छोटी सी आस। आप लोग इसे, मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग आज से एक कदम उठाएं, थोड़ा सा घास, कुछ पेड़ पौधे हर रोज लगाएं और गाड़ियाँ थोड़ी कम चलाएं। थैंक यू।